तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉनिटर के बारे में जो कि आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि ICU, NICU, OT का एक जगह पे लगी हुई रहती है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से होंगे तो कुछ पता होगा इस बारे में। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं होंगे तो आपको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी, आपको पता नहीं चल पाता होगा कि इसमें क्या बताती है। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं यहाँ पे, और जैसे में यहाँ साइलेंस का बटन है, और यहाँ पे पॉज का बटन है, फ्रीज का बटन है, NABP का बटन है, प्रिंट का बटन है, और ये मेन बटन है, और एक एक पावर मतलब ये एक और मेन बटन है यहाँ पे। तो आप इसके बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वायर सारा रखा हुआ है, इसको इसमें कनेक्ट करना होता है। कैसे कनेक्ट करना होता है और क्या क्या इसमें बताएगा इस बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ऑन कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास मॉनिटर हो तो उसको पहले ऑन करना होता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए दबा कर रखिएगा तो ये ऑन हो जाएगी। जब ऑन हो जाएगी तो इस तरह से लोडिंग दिखाएगी, सिस्टम इंस्टॉलिंग। तो सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ये आपको आप इसका इस्तेमाल करने लगिएगा। तो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन है इतना सारा। तो यहाँ पे साइलेंस देख सकते हैं, साइलेंस है। तो साइलेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब इसको आवाज नहीं मतलब निकालना हो इससे, जैसे अगर अलार्म वगैरह हो या फिर जो है ये पेशेंट को कोई कंडीशन खराब होती है तो ये अलार्म बजने लगती है, तो वो उसको साइलेंस पे अगर आप दबा देते हैं तो साइलेंस रहेगी, आवाज बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसी तरह से पॉस है, फ्रीज है, NIBP है, प्रिंट है और मेन है। तो NIBP का यूज क्या करते हैं, बीपी लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ऑन हो गई है, और यहाँ पे लाइनिंग प्लेन लाइनिंग दिखा रही है। प्लेन लाइनिंग दिखाने का मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट को लगा हुआ है सारा इंस्ट्रूमेंट, तो अगर इस लाइनिंग को दिखा रहे तो या तो आप सही से लगाए नहीं हैं या फिर पेशेंट डेड कर गया है, सो डी कर गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या फंक्शन है इसमें। ECG का फंक्शन है, आप ECG कर सकते हैं इससे। NIBP मतलब आप BP ले सकते हैं पेशेंट का। SpO2 चेक कर सकते हैं, रिस्पायरेशन रेट चेक कर सकते हैं, और CO2 चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का दिखा रहा है, आप यहाँ टेम्परेचर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका फंक्शंस। अब देखिए कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका मेन लाइन, इसमें पावर लाइन हो गई, इसमें पावर देते हैं इससे, ठीक है। ये पावर के लिए हो गया, ये हो गया BP के लिए, NIBP, इससे इसको पेशेंट को बांध दिया जाता है और BP लिया जाता है। इसमें होता है क्या कि SpO2 बताता है कि SpO2 कितना है पेशेंट का, इससे पता चलता है बॉडी में ऑक्सीजन कितना है पेशेंट का, पल्स रेट क्या है इससे पता चलेगा। तो इन सभी को कनेक्ट कैसे करते हैं आप देखिए, आपको हम बताएंगे। और यहाँ पे अगर आपको ऑफ करना हो मॉनिटर को तो इससे इसको 2 सेकंड तक दबा कर रखिएगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, बहुत कुछ कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम SpO2 को कनेक्ट करेंगे, देखते हैं, और NIBP BP को भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग NIBP को कनेक्ट करके देख लेते हैं। इसको बस इसको इस तरह से दबा देना है और ये कनेक्ट हो जाएगी, इस तरह से इसको बस दबा देना है, ये कनेक्ट हो गई। और पेशेंट के हाथ पे लगा देना है और यहाँ पे NIBP वाला बटन दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि BP आपको पता चलता रहेगा। इसमें सिस्टम रहता है कि अगर 5 मिनट बाद चेक करना चाहते हैं या 10 मिनट बाद फिर पेशेंट का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं उसको, और नहीं तो फिर जब भी आपको BP लेने का इच्छा करे बस NIBP जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको दबा देना है, ठीक है। और अगर पेशेंट को अच्छे से लगाइएगा कि यहाँ पे लाइनिंग ऊपर नीचे होगी, वो किसी और वीडियो में हम पेशेंट को लगा के आपको हम दिखा देंगे। फिलहाल आपको हम समझाने के लिए कि कैसे कैसे ये वर्क करती है और क्या क्या चीज़ आपको पता चलेगा इसमें, यहाँ आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए
ये SpO2 का ये है, तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है, देखिए इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, SpO2 काम करने लगेगा। आप देखते हैं, हम अपने में लगा कर दिखाते हैं आपको कैसे वर्क करता है ये। आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से लगा दिया जाता है पेशेंट को, और हाँ देखिए आपको यहाँ पे शो करने लगा। आप देख सकते हैं ये लाइनिंग जो है ऊपर नीचे हो रही है, और SpO2 98 दिखा रही है, क्योंकि 99 है मतलब 99 ही रहना चाहिए, 98-99 तक रहना चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे सारा इंडेक्स दिखा रहा है, अगर हम सारा कुछ लगाएंगे तो सब कुछ बताने लगेगा, फिलहाल अभी बस SpO2 लगाए हैं, तो आपको चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ लाइनिंग ऊपर नीचे हो रही है। अगर कोई डेड पेशेंट को लगाइएगा तो ये लाइनिंग, इस तरह से जो लाइनिंग हो रही है ये प्लेन लाइनिंग दिखाएगी आपको, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में आपको सारा कुछ और डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।